हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर विद द टेक टॉक विद ललित। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फ्लोटिंग पॉइंट्स फंक्शंस कैसे यूज करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं कि फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यूज पॉइंट में है, लेट्स से कि 10.5 वैल्यू है, 10.3 वैल्यू है, यानी रियल नंबर की वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो प्रीवियस वीडियोज में आपने ये देखा था कि हम लोग इंटीजर फंक्शंस कैसे यूज करते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट पर। तो फ्लोटिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक मैं इनपुट यूज कर लेता हूँ और यहाँ देखिए स्क्रीन पर फ्लोटिंग पॉइंट्स पे आ गए। तो ऐड रियल, तो रियल के लिए हम हमेशा डबल वर्ड का एड्रेस यूज करते हैं पॉइंट्स के लिए। MD0, MD4 एंड रियल्ट मैंने यहाँ पर सपोज MD8 पर ले लिया। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई रियल नंबर ऐड कराना है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, रियल नंबर के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले रियल नंबर के लिए MD0 ले लिया मैंने, MD4 ले लिया, और एक और मेरे को रियल नंबर के लिए यहाँ से इंसर्ट करा लेंगे बिट मेमोरी, ये मैंने MD8 ले लिया। और आप इनको कन्वर्ट कर दीजिए रियल में, जिससे कि आपको क्लियर रहे, ये मैंने एक इनपुट ले लिया। तो यहाँ पर आप वैल्यू फीड कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा 2.2 वैल्यूज को ऐड करना है 3.2 से, राइट। तो दोनों वैल्यू ऐड करके रिजल्ट यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पे ये वैल्यू है, अगर आप इनपुट 0 प्रेस करेंगे तो यानी 0 एंड 4 दोनों ऐड होंगे, तो देखिए रिजल्ट 5.4 आ गया, यहाँ पर भी आ गया, राइट। अगर आप चाहते हैं वैल्यू फिर से कोई चेंज हो रही है, 3.6 है, एंटर करेंगे देन यहाँ से इनपुट देंगे 3.6.3.2, दोनों रिजल्ट ऐड होकर यहाँ पर रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से हम एड रियल यानी पॉइंट में वैल्यू यानी कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए एड रियल ले लिया। तो एड रियल का पर्पज क्या था, वैल्यूज को ऐड करना। अगर मैं सब्ट्रैक्ट रियल लेता हूँ, इसका मतलब ये है कि पॉइंट वैल्यू से आप कोई भी पॉइंट वैल्यू माइनस करा सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे MD0 से माइनस हो जाएगा MD4 की वैल्यू एंड रियल हमारा MD8 में जाएगा। ये यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने 5.8 दे दिया एंड इसमें से मैं 2.4 माइनस करके रिजल्ट देखना चाहता हूँ। आप 0 नंबर प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ से, ध्यान से 5.8 में से माइनस करेंगे 2.4 तो रिजल्ट यहाँ पे 3.4 आ गया। यानी होता क्या है कि IN1 में से IN2 वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी सब्ट्रैक्ट रियल में। तो आपको होप मेरा ये वीडियो क्लियर हो रहा होगा। 2.4 माइनस 2.4 अगर आप यहाँ से इनपुट देंगे तो देखेंगे रिजल्ट हमारा 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1.2 ले लेता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ तो देखिए रिजल्ट हमारा, क्योंकि ये सेकंड वैल्यू ज्यादा इसलिए रिजल्ट यहाँ पे माइनस में आ गया। तो होता क्या है, IN1 में से IN2 वाली वैल्यू हमारी माइनस होगी। रिजल्ट का ध्यान रखना है एंड रियल के लिए जो भी एड्रेसिंग आप लेंगे वो डबल वर्ड की लेंगे। इसी तरीके से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो मल्टीप्लीकेशन रियल ले लीजिए और डबल वर्ड का एड्रेस ले लीजिए, यहाँ से MD4 ले लिया एंड यहाँ से MD8 ले लीजिए। इसको यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए और फिर आप देखेंगे इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। यहाँ देखिए MD0 पे आप 1.5 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2.6, तो यहाँ से जैसे 0 नंबर इनपुट देंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 2.6 रिजल्ट आपके पास सामने आ गया। इसी तरीके से अगर आप कोई और भी वैल्यू मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1.2 एंड 2.6 मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देखना चाहते हैं, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। इस तरीके से अगर कोई भी और भी वैल्यू है आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं, आप यहाँ से रिजल्ट देख सकते हैं। इस तरीके से पॉइंट वैल्यू मल्टीप्लाई होके आपके पास आ गई। इसी तरीके से अगर आपको एग्जैक्ट डिवाइड करने के बाद वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम यूज करेंगे डिवाइड रियल। और यहाँ पर देखेंगे MD, ये मेरा 8 हो गया और इसको यहाँ से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैं चाहता हूँ 5 वैल्यू जो है 5.0 वैल्यू 2 से डिवाइड हो तो रिजल्ट क्या आएगा। जैसे ही मैंने इनपुट दिया तो देखिए रिजल्ट 2.5 आ गया एग्जैक्टली। अगर आपने इंटीजर फंक्शन वाले ब्लॉग देखे थे तो उसमें होता क्या था कि राउंड ऑफ वैल्यू रिजल्ट आता था, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आपकी जनरेट होके आएगी। अगर आप चाहते हैं और भी कोई टिपिकल वैल्यू, आप जैसे 2.5 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ जैसे सिग्नल जैसे इनपुट देंगे देखिए रिजल्ट आपके सामने आ गया। अगर आप चाहते 3.5 में डिवाइडेड बाय 2 हो जाए तो यहाँ देखेंगे आपका रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे आ गया जनरेट होके। तो इस तरीके से ये बहुत एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए हम लोग डिवाइड ये रियल यूज करते हैं। देन आता है यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट